हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का एक बार और फिर स्वागत है हसीन उस्ताद के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, सुबह बहुत ख़तरनाक कोहरा होने के कारण आज कबूतर थोड़े से लेट उड़े, मगर बहरहाल ये देखिए गाइस, कुछ 40-50 कबूतर है और जिनकी ये झंडी है, और कुछ बहुत सारे इसमें आज बिन हिले कबूतर है और कुछ हिले हुए भी कबूतर है, मगर बिन हिले की तादाद आज ज़्यादा है कबूतरों में, क्योंकि पिछले दिनों मौसम ख़राब होने के कारण कुछ कबूतर हिल नहीं पाए। तो गाइस, हिले और भी नीले कबूतर दोनों आसमान की तरफ चलते हुए, और कुछ पुराने भी कबूतर है। और ये देखिए गाइस, कुछ देरी बाद बहुत तकड़ी धूप निकलती हुई, और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है पूर्वा हवा के साथ। और ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से आसमान में देखिए आप लोग, कबूतर बहुत ही आसमान की बुलंदियों में उड़ता हुआ, और ये हमारा एक कबूतर आ रहा है। हद, ये देखिए गाइस, जो मैं अभी आपको कबूतर दिखा रहा था वीडियो में, वो खैरा लेके जा रहा है। बस गाइस, ये होती है कबूतरबाजी। कबूतर 3-3.5 घंटे के बाद जोर लगा कर आ रहा था, और ये देखिए गाइस, बस लेके चलता बना खैरा इतनी सी देर की उसकी। और गाइस, एक खैरा कबूतर ले गया और दूसरा खैरा छत के सीधा ऊपर खड़ा है। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है इस टाइम कबूतरों को लड़ने के लिए। खैरा बहुत है इस टाइम, बहुत ही ज़्यादा है। सुबह में खैरा, शाम में कोई, रात में बिल्ली, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है गाइस। और ये देखिए गाइस, इस कबूतर की खैरे ने पूँछ उपाड़ दी। सबसे पहला हमला इसके ऊपर था खैरा का, और फिर उस कबूतर के ऊपर था। ये देखिए गाइस, कितना डरा हुआ कबूतर है ये, आप देख सकते हैं हालत इसकी, और इसकी सारी पूँछ उबाड़ दी कबूतर ने। और कुछ कबूतर और आसमान में खड़े हैं, आधे आसमान खड़े हैं, और खैरा भी खड़ा है इसके ऊपर। एक को तो खैरा ले गया, और बाकियों का अल्लाह मालिक है। तो ये देखिए गाइस, शायद वो कबूतर छूट चुका है, और बहुत ही कम चांसेस होते हैं इसके पकड़ ले के जाने के बाद कि कबूतर ज़िंदा रहे। हो सकता है कि कबूतर मर गया हो, या किसी ने छुड़ा लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। मगर ये खैरा डबल से आ गया, अब ये 2-3 खैरे फिर से छत पर खड़े हो गए। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है कबूतरबाजी के रिगार्डिंग। और ये देखिए कितना तकड़ा खैरा है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पर उड़ता हुआ, हमारे कबूतरों को निशाना बनाता हुआ। बहुत ज़्यादा खतरनाक खैरा है गाइस, ये बेवजह मारा जाता है कबूतर यहाँ पे खैरे से। कबूतर हिलता है, उड़ता है, अपना जोर मार कर आता है। और गाइस, इसके अंदर एक खासियत भी है खैरे के अंदर, ये हमेशा अच्छे कबूतर को ही पकड़ता है, बेकार कबूतर को नहीं पकड़ता बिल्कुल भी। और ये देखिए गाइस, एक कलसिया कबूतर हमारा आता हुआ 4-4.5 घंटे के बाद। तो गाइस, मैं सब कबूतरों को कैप्चर नहीं कर पा सकता, क्योंकि अगर मैं हर एक कबूतर को कैप्चर करूँगा तो वीडियोस भी बहुत लंबी हो जाएगी, और अपलोड करने भी कम से कम 2-3 दिन ले लेगी। तो मैं बहुत अच्छे अच्छे कबूतरों को आपको शौक कराता हूँ हसीन भाई के, जो बहुत अच्छे कबूतर होते हैं मैं उनका शौक कराता हूँ। ये देखिए गाइस, खैरा चला गया था जंगल की तरफ, अब फिर आया है। और ये देखिए खैरा कबूतर कुछ इसके नीचे ही उड़ रहा है। एक कबूतर है हमारा गाइस, मोहरी चिन्नी नाम से बहुत मशहूर है वो, बस वो शेर कबूतर है। खैरे को ललचा ललचा के जाता है, इसके पैरों में जाता है खैरे के, और पकड़ा नहीं जाता। और बहुत शेर कबूतर है, खैरों के नीचे नीचे आके पटपटाता है वो। मैं उसका किसी दिन आप लोगों को शौक कराऊँगा, मोहरी चिन्नी कबूतर है हमारा, उसके पट्टे बहुत उड़ते हैं हमारे यहाँ, वो शांत लगी उड़ता है हमारे यहाँ। उसे एक दफ़ा मोहरी पकड़ा था हमने 5 बजे, अब से 6-7 साल पहले। और ये देखिए गाइस, कुछ और कबूतर आसमान से आते हुए हैं, घर की तरफ रुख है, खैरा नहीं है फ़िलहाल अब, क्योंकि टाइम 1-1.5 बजे का टाइम है। और ये देखिए गाइस,
माशाल्लाह से बहुत अच्छी उड़ान उड़ती हुई और कबूतरी, और माशाल्लाह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो सकती है आते वक्त, क्योंकि बहुत हल्के हल्के पर मार रही है ये, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है कबूतरी। ये 9 बजे ही, 9:30 बजे ही बैठना चाह रही थी, मगर इसे क्या हुआ, पहले तो ये खड़ी रही आसमान में, और भी इसे खैरे ने मारना स्टार्ट करा, ये सीधा गई आसमान, अब आसमान से डबल से आ रही है यहाँ पर। तो गाइस खैरा बहुत है, बहुत ज़्यादा खैरा है, अंदाज़ा भी नहीं ला सकते इतना खैरा। तो गाइस मैं इस कबूतरी का शौक कराना चाहूँगा आपको, यह है कल्दुमी। ऐसे हमारे यहाँ बहुत कबूतर उड़ते हैं ऐसे कलर के, कल्दुमे करकरे से। ये देखिए गाइस कैसे तीन तीन चार चार कबूतर एक कबूतर पर गुटकने जा रहा है, और मुझे लग ही रहा था कि इसकी हालत थोड़ी सी डाउन हो जाएगी आज, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और खैरे की डरी हुई कबूतरी है, बहुत तेज़ उड़ रही थी आसमान में जब इसे खैरे ने मारा, और इसी वजह से थोड़ा। और ये देखिए गाइस इसके पीछे कुछ कबूतर आते हुए आसमान से उतर रहे थे, ये देखिए गाइस दूसरा कबूतर पहले उड़ के भागता, उसे तो बाद में बैठने देगा, खुद उड़ के भागता। तो ऐसे ही चल रहा है गाइस, खेला बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और उड़ान भी ऐसा नहीं है कि उड़ान रोक दे, उड़ान भी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिंगल के मारे जा रहे हैं, सबों के मारे जा रहे हैं। और ये देखिए थोड़ी सी कबूतरी डरी हुई, और इसका गाइस पंजा है हल्का सा, थोड़ा सा परों के नीचे, तो हम इसे अभी ट्रीट करेंगे, हम सोच रहे हैं इसे थोड़ा सा दम लेने दे, क्योंकि इसके थोड़े से पर वर ऊपर से दिख रहा है, तो हो सकता है कि इसके पंजा हो वहाँ पर। तो ये देखिए गाइस ऐसा चल रहा है कि कबूतर आना जाना चल रहा है, किसी के कबूतर आसमान से हमारे यहाँ उतर रहे हैं, और ऐसे ही आना जाना चला जा रहा है, ये पता नहीं किसकी कबूतरी है करकरी। बैठना चाह रही है यहाँ पर, मगर आड़े चक्कर ले रही छत से पर, शायद नीचे तय किए, नीचे तय में घुसना चाह रही। तो गाइस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और हम आप लोगों को ऐसे ही शौक कराते रहेंगे अच्छे अच्छे कबूतरों का। ये तो खैरा लेके जाता ही रहता है, इसका क्या सीन है, मगर असल में क्या है, हम कभी कभी तो हम कहते हैं कि भाई हमारे कबूतर पर अटैक कर, इससे कबूतर मजबूत होता है और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है इंक्रीज होता है, और वो डर डर के इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर भी उसे कोई सा कहरा कोई नहीं पकड़ पाता, और वो मजबूत भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे जो हमारे पुराने कबूतर है वो खैरे से छिट छिट के इतने मजबूत हो गए कि वे बस खैरे को देखते ही छत छोड़ देते हैं, बाजा बाजा कबूतर, और बाजा बाजा कबूतर तो छत खैरे को देख के आसमान चले जाओ, बाजा बाजा कबूतर खैरे के साथ खुलंदे खेलता रहे। जैसे कि मैंने बताया मोहरी चिन्नी का नाम मैंने लिया, उस कबूतर तो वो खैरों के साथ खिलंदे खेलता है, उसे खैरा पकड़ ही नहीं सकता, वो तो स्लो मोशन में दिखाता वो अपनी खिलंदी भी खैरों को। ये देखिए गाइस कुछ और कबूतर आसमान में आते हुए जाते हुए, ऐसे ही चल रहा है सीन माशाल्लाह से, बहुत बढ़िया रहा आज का दिन भी, मगर 12 बाकी दिनों से थोड़ा सा हार्ड रहा, क्योंकि खैरा बहुत अच्छा कबूतर ले गया आज। और ये देखिए गाइस दुबाज ने भी उड़ती है हमारे यहाँ, दुबाज ने भी बहुत उड़ैया है, ये हमारी घर की प्योर ब्रीड नस्ल है। असल में अब से 3-4 साल पहले हमने एक डोरे डली दुबाजन मादिन पकड़ी थी, और उसी साल हमने एक दुबाज मोहरी नर पकड़ा था, तो हमने उसके आपस में क्रॉस करवाई, और इसकी ऑफ स्प्रिंग्स ये आपके सामने है रिज़ल्ट, और ये देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा टाइम हो चुका है, इन्हें 1:30 बज रहे हैं अब, और बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ आज। ये देखिए गाइस और ये हमारी कबूतरी पड़ोस में जाके बैठ गई, पता नहीं इसे क्या हुआ, अचानक से भी नहीं ली थी आसमान से आती आती दूसरे की छत पर टिक गई। वैसे तो लेन देन है,
ऐसे बाजा बाजा टाइम कर देता है कबूतर हरकत, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बहरहाल हम वहाँ से उड़वाएंगे अपनी कबूतरी को और हम चाहेंगे कि यहीं पर आए, और इशारा भी दिया है हमने कि उड़ा दे भाई। और ये गाइस पता नहीं उड़कर जाने कहाँ गई और अब आ गई उड़ के, मतलब कि जब इस बंदे ने उड़ा दिया छत पर से तो सीधी भागी थी, और सीधी भागने के बाद पूरे किरतपुर का राउंड अप करा इसने और फिर छत पर आ गई। तो गाइस बहुत अच्छा रहा दिन, और कुछ कबूतर पकड़ में भी आए, कुछ कबूतर भाग भी गए। तो ये तो आना जाना लगा रहता है, हर दिन का ऐसा ही है, नया हर साल नया कबूतर आता है, हर साल नया खेल बनता है सॉरी, और हर दिन नया कबूतर आता है, हर दिन कोई सा कबूतर चला जाता है। तो ये तो दस्तूर चला आ रहा है। और ये देखिएगा इस, पता नहीं किस किस के कबूतर आते जाते रहते हैं, ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहता है कबूतर का आने जाने का। मगर गाइस आप जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक, तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि जो आने वाली वीडियोस है मैं प्राइवेट करके डालने वाला हूँ, ताकि उन्हीं लोगों तक वो वीडियोस पहुँच सके जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा। तो जिन्होंने नहीं कर रखा वो कर ले, और जितना हो सके हमारी यूट्यूब चैनल की वीडियोस को शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और जितना हो सके हो सकता है हमारी वीडियोस को लाइक करें। और गाइस हम किसी का भी पैसा नहीं लगता एक बटन दबाने में लाइक का सब्सक्राइब का, और कुछ लगता है तो सिर्फ लगता है आपका प्यार उन बटन को दबाने में, जो कि आप हमें बहुत से लोग तो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, और कुछ लोग कंजूसी भी करते हैं, तो क्या आप कंजूस हो इन सब चीज़ों करने में? तो गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, मेरी बात का बुरा ना माने कोई भी।